नमस्कार, मैं ऐश्वर्या और लोकमत.com लोकमतnews.in में आपका स्वागत है। मित्रों, हमेशा की तरह आज भी हम क्रिकेट विश्व की कुछ दिलचस्प बातें अयाज सर के साथ डिस्कस करने वाले हैं। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू ऐश्वर्या। सबसे पहले तो बात करेंगे आईपीएल की। आईपीएल 2019 सामने है, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम पे सबसे ज्यादा ध्यान रहेगा? सबसे पहला सवाल सबका यही है कि किसके ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान रहेगा या कौन जीतेगा, फेवरेट कौन है वगैरह वगैरह। इसके दो पहलू है। मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा ध्यान, अगर आप पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देख लें तो मेजर टीम्स जो है वो है मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स, KKR एंड रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। ये हमेशा से मेजर रहे हैं। उसकी वजह ये भी है कि जो जो इसके साथ एसोसिएटेड है, जैसे कि जो ओनर्स हैं, जो प्लेयर्स हैं, तो चेन्नई में दिग्गज जो आइकॉन प्लेयर है वो महेंद्र सिंह धोनी हैं। उनके ओनर जो है वो एन श्रीनिवासन है, जो BCCI के अध्यक्ष रह चुके हैं। मुंबई इंडियंस, रोहित शर्मा बड़े स्टार है और उनके ओनर है अंबानी, तो वो बिजनेस जगत में सबसे बड़े स्टार है। RCB का भी वैसे ही है, विराट कोहली है, पहले विजय माल्या थे ओनर, अब एक बड़ी दूसरी कंपनी है Diageo जो कंट्रोल कर रही है। और KKR में शाहरुख खान जुड़े हुए हैं और भले कैप्टन उनके आइकॉन प्लेयर्स चेंज होते रहे हैं, लेकिन शाहरुख खान का खुद का एक दर्जा है इंडियन सोसाइटी, इंडियन लाइफ में सेलिब्रिटी है बड़े। तो इन चारों फ्रेंचाइज पे हमेशा से ज्यादा अटेंशन रहता है। ये नहीं है कि दूसरी टीम्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी टीम्स भी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बल्कि जैसे हमने देखा पिछले साल जो जीत हुई थी वो सनराइजर्स हैदराबाद की थी, और माफ कीजिएगा चेन्नई सुपर किंग्स की, उसके पहले सनराइजर्स हैदराबाद ने भी अच्छा परफॉर्म किया है। डेक्कन चार्जर्स पहले एक बार जीती है, राजस्थान रॉयल्स जीती है पहले जी। अगर आप पूछे कि कौन सी टीम फेवरेट है, मैं कहूंगा कि आठों टीम बराबर है, क्योंकि ये अगर आप पिछले 11 साल का ट्रैजेक्टरी देख रहे हैं तो अपार्ट फ्रॉम CSK, KKR और मुंबई इंडियंस, किसी ने भी मल्टीपल टाइम्स टूर्नामेंट नहीं जीता है। राजस्थान ने एक बार जीता है, बल्कि RCB ने जीता ही नहीं अब तक, हालांकि उनके पास प्लेयर्स थे विराट कोहली, क्रिस गेल, AB डिविलियर्स जैसे दिग्गज खिलाड़ी थे, उसके बावजूद नहीं जीत पाए। क्योंकि प्लेयर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफी बराबर है। अगर आप आठों प्लेयर्स की लाइनअप्स रखते हैं अपने सामने तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि कौन सी टीम सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि मिक्स ऑफ फॉरेन प्लेयर्स, इंडियन प्लेयर्स, प्लेयर्स इन फॉर्म, यंग प्लेयर्स, सब देखे हैं तो बराबर का लगता है। और इसी वजह से IPL जो है, क्रिकेट का जो लीग है, वो जैसे फुटबॉल का प्रीमियर लीग है, उससे बहुत अलग है। फुटबॉल के प्रीमियर लीग, इंग्लिश प्रीमियर लीग अगर आप फॉलो करते हैं दर्शक, तो उसमें से आप सीजन शुरू होने से पहले ही आप कह सकते हैं कि इतने सारी टीम्स है, 35-40 जो टीम्स है, उसमें से टॉप 4 और 5 में कौन आएगी, क्योंकि उनके पास उनकी लाइनअप देख लें तो पता चल जाता है टैलेंट क्या है। IPL में ये कहना बहुत मुश्किल है। अब जब पिछले साल जब वापसी हुई चेन्नई सुपर किंग्स की, तो सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या ये टीम वही कुछ कर पाएगी या नहीं। बहुत सारे एजेड प्लेयर्स लिए थे, यंग प्लेयर्स नहीं थे, पता नहीं इनका प्रोग्रेस कैसा होगा, लेकिन वो टूर्नामेंट जीत गए। तो उलट फेर काफी होता है IPL में। मैं एक लास्ट उदाहरण दूंगा इसका, कि पहला सीजन जो था वो राजस्थान रॉयल्स ने जीता था, जिसको किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था जी। सबने एक्सपेक्ट किया था कि डेक्कन चार्जर्स, उन दिनों बहुत ही जबरदस्त टीम थी, आजम गिलक्रिस्ट, शाहिद अफरीदी वगैरह वगैरह, एंड टू साइमंड्स, रोहित शर्मा डेक्कन चार्जर्स के लिए खेलते थे, और डेक्कन चार्जर्स फिनिश हुई थी लास्ट, उस सीजन लास्ट फिनिश हुई थी, और नेक्स्ट सीजन डेक्कन चार्जर्स टूर्नामेंट जीती साउथ अफ्रीका में जी। तो जो लास्ट आई थी टीम वो टॉप में आ गई, और जो राजस्थान पहली बार जीती थी वो कहीं नहीं रिपीट नहीं कर पाई थी वगैरह वगैरह। तो कहने का मतलब ये है कि वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट कौन जीत सकता है। सही बात है सर। इसके बाद BCCI अभी वाड़ा के अंदर आने वाली है, तो आपको क्या लगता है कि इसका हमें फायदा होगा या फिर नुकसान? मेरी सोच ये है कि वाड़ा के अंदर आना चाहिए। मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्यों ऑब्जेक्शन है। पहले वाड़ा के लिए प्रॉब्लम्स जो बताए गए थे वो ये थे, क्योंकि वाड़ा में एक है वेयर अबाउट्स क्लॉज, जो ड्रग टेस्टिंग का है, वेयर अबाउट्स क्लॉज है कि आप कहीं भी रहें आपकी ड्रग टेस्टिंग हो सकती है। और बड़े से बड़े एथलीट्स, उसेन बोल्ट हो, रॉजर फेडरर हो, उन्होंने इसको अग्री किया था। क्रिकेट में भी लगभग सभी ने अग्री किया, एक BCCI जो थी वो अग्री नहीं कर रही थी, उनका कहना था कि सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स है, जैसे प्लेयर थे सचिन तेंदुलकर या महेंद्र सिंह धोनी, उनके लिए सेकेंड सिक्योरिटी प्रॉब्लम था, अगर वो बता दें कि यहाँ यहाँ रहेगा, यहाँ रहेंगे वो, तो उनको खतरा हो सकता है। लेकिन मेरा मानना यह है कि वेयर अबाउट्स क्लॉज एक अच्छी अच्छी चीज़ है, और अगर वाडा के साथ आप साथ साथ चलते हैं
क्योंकि आप ओलंपिक मूवमेंट में नहीं है इसलिए आप वाडा से थोड़ा पंगा ले सकते थे, लेकिन अब वक्त आ गया है मेरे ख्याल से कि जो है वाडा के प्रोविजन उसमें साथ, उसके साथ में चलना चाहिए। सर, टीम इंडिया की अगर बात की जाए तो उसके फोर्थ पोजीशन के लिए अभी भी कोई अच्छा दावेदार नहीं दिख रहा है, तो क्या आपको लगता है कि अच्छा दावेदार नहीं दिख रहा है या चार पांच दावेदार नजर आ रहे हैं? वो भी कह सकते हैं आप, लेकिन क्या आपको लगता है कि वर्ल्ड कप से पहले ये उलझा सुलझ पाएगा? देखिए, अगर आप जो सिलेक्टर्स ने कहा था, जो विराट कोहली ने कहा था, जो टीम मैनेजमेंट ने कहा था कि वो आईपीएल को नहीं कंसिडर करेंगे, जी वनडे मैचेस जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वहां तक जो प्लेयर्स होते हैं उन्हीं को ज़्यादातर सिलेक्ट करेंगे, जब मुझे लगता है ये अभी रिवाइज हो गया है क्योंकि सवाल अभी भी खड़े हुए हैं जैसे आपने कहा नंबर चार पोजीशन पे। अगर आईपीएल को नहीं आप कंसिडर करेंगे तो प्रॉब्लम है, क्योंकि ना ऋषभ पंत चले, ना केएल राहुल, ना अंबती राइडू, इनके ऊपर इनमें तीन इन तीन चार में से एक प्लेयर जो है वो नंबर चार पे खेल सकता है, जी थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी तो रहेगा। बीच में दिलीप हेंगसरकर ने कहा कि भाई आप अजिंक्य रहाणे को कैसे इग्नोर कर सकते हैं, उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है वगैरह, एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, सही भी है वो। सौरभ गांगुली ने बिल्कुल एक गूगली फेंक दी और उन्होंने कहा भी कि मैं जो कहूँगा वो बहुत से लोग मानेंगे नहीं और हंसेंगे मेरे ऊपर, लेकिन मैं मेरा मानना है कि आप चेतेश्वर पुजारा को खिलाइए। अब चेतेश्वर पुजारा ना T20 खेलते हैं, ना वनडे खेलते हैं, ना IPL की किसी टीम में है, जी तो गांगुली जैसा प्लेयर अगर कहता है कि भाई पुजारा को लेना चाहिए तो कहीं ना कहीं सिलेक्टर्स पे वो भी इम्पैक्ट पड़ता है। और फिर क्योंकि IPL इतना बड़ा टूर्नामेंट है, शोकेस टूर्नामेंट है, अब समझे आप फर्ज कीजिए कोई यंग प्लेयर है या कोई और दूसरा प्लेयर है जिसका नाम ABC रख लिया, वो बहुत ही जबरदस्त भयानक फॉर्म में आ जाए तो क्या आप उसको इग्नोर कर सकेंगे? तो अभी भी मेरे ख्याल से एक जैसा मैं मानता हूं कि एक जोकर कार्ड शायद अपने पास रखा है शास्त्री, कोहली ने या सिलेक्टर्स ने, जी वो नंबर चार पे आ सकता है, बाकी जो मैंने नाम लिए उनमें से कोई हो सकता है। सर, अगर अजिंक्य रहाणे की बात की जाए तो वर्ल्ड कप स्क्वाड में कितने चांसेस मिलने के उनको चांसेस हैं? अब चांस जैसे मैंने कहा अब ओनली चांसेस इन IPL, जिस तरह से वो IPL में परफॉर्म करते हैं, अब उनकी ही बात कर लें, अगर वो जबरदस्त फॉर्म दिखाते हैं जी तो फिर उनके चांसेस बढ़ते जाएंगे। जैसे इसी मेरे ख्याल से कट ऑफ डेट है 22 अप्रैल इंडिया को वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंस करने का, यानी एक महीने का IPL का टाइम मिलेगा। अगर उस एक महीने में कोई एक या दो ऐसे प्लेयर हो जो बहुत गजब का फॉर्म दिखाते हैं, बल्लेबाजों की बात करता हूँ क्योंकि बॉलिंग ऑर्डर मोर और लेस सेटल्ड है इंडिया का, हार्दिक पांड्या अगर वापस आ जाते हैं फिटनेस उनका जो है मेरे ख्याल से खेलेंगे भी IPL, तो वो बॉलिंग कॉम्प्लीमेंट आपका वर्चुअली पूरा हो गया है। एक या दो ज्यादातर एक जगह जो है नंबर चार की जैसे आपने कही वो चार है या पांच है किसी नंबर पे भी आप खिला कोई प्लेयर को वो बचती है, उसमें अगर पुजारा के चांसेस कम है क्योंकि वो IPL नहीं खेलते हैं तो कोई देखेगा नहीं उनको इस दौरान। अजिंक्य रहाणे बहुत जबरदस्त फॉर्म में आते हैं तो उनका नाम एटलीस्ट सिलेक्टर्स जब जाएंगे डिस्कस करने हैं तो नाम ऐड करेंगे। कोई और प्लेयर भी हो सकते हैं, शुभमन गिल न्यूजीलैंड में खेल रहे थे, अच्छा परफॉर्म करते हैं, यंगस्टर है, तो फिर उनका पॉसिबिलिटी बढ़ता है। मैं नहीं कहूंगा कि डेफिनेटली आएंगे, लेकिन ये है कि रिंग ऑफ पॉसिबिलिटी में अभी भी 6-7 नाम जो है वो तैर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सर, ताकि आपने इतनी अच्छी दिलचस्प बातें हमारे साथ शेयर की। अभी जो होगा वो तो आने वाला वक्त ही हम लोगों को बताएगा, मुझे लेकिन पहले पता चल गया तो मैं बता दूंगा आपको। जी बिल्कुल। तो मित्रों, ये थी क्रिकेट विश्व की कुछ दिलचस्प बातें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए लोकमत.com, लोकमत न्यूज़.in। थैंक यू।